ये जो लोग कहते हैं कि हमारे अंडे चूजे नहीं बिकते, उनसे गुजारिश है कि जरा हिम्मत करें, मार्केटिंग किया करें और ये दुकानों पे माल बेचा करें अपना। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ अतीक इस्लाम। अल्लाह पाक के ख़ास करम और उसकी लाजवाब रहमतों के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। और आज का व्लॉग है कि हमारे पास ये गोल्डन बफ की मुर्गियाँ तकरीबन 60 अदद तादाद में थी, जिसमें हमने सिर्फ दो मुर्गियाँ परचेज़ की थी और दो मुर्गे परचेज़ किए थे, उनकी आगे आल औलाद चलती रही है। आज हम आखिरी चार बर्ड्स भी, जिसमें तीन मुर्गियाँ हैं और एक मुर्गा है, ये गोल्डन बफ के चार पीस भी आज सेल करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ रहिएगा एंड तक और आपको आज दिखाएँगे कि हम किस दुकान पे और कैसे बेच रहे हैं। आप ये मुर्गियों का अगर बिज़नेस कर सकते हैं तो करें, क्योंकि ये अच्छा बिज़नेस है, पार्ट टाइम बिज़नेस है, इन पे ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पालने आ जाते हैं तो ये एक अच्छा बिज़नेस है। हम वहाँ पर बेचेंगे और कल शाम को मैंने चूज़े भी बेचे हैं, उसकी वीडियो भी मैं अलग से लगा दूँगा। तो ये चार बर्ड्स मैं किस दुकान पर और कितने में बेच रहा हूँ, ये आगे मज़ीद तफसील आपको बताता हूँ। इससे पहले कि मज़ीद तफसील में जाएँ, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जल्दी से हसाम फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बर्ड्स के हवाले से, जानवरों के हवाले से और इसके अलावा लाइव स्टॉक के हवाले से मुकम्मल डिटेल की वीडियो मिलती रहे। जी तो नाज़रीन, ये बोरों के अंदर दो दो मुर्गियां डालने लगे हैं, एक मुर्गा और तीन मुर्गियां हैं। दो बोरों के अंदर जो है वो इसलिए डालेंगे कि इनका सांस ना घुट जाए, और मज़ीद जैसे ही हम लेके जाएंगे और जिस जगह पे बेचेंगे वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी हमारा मुर्गा है, माशाल्लाह से बड़ा प्यारा और खूबसूरत। ये बेबी है, क्योंकि हमने जो मुर्गियाँ मुर्गे लिए थे पहले, उसके ये बच्चे निकले थे 60 बच्चे, तो 60 बच्चे हमने बड़े किए, ये उसी का मतलब बेबी है। इस वक्त तो अडल्ट हो चुका है और मुर्गियों को क्रॉस भी कर रहा है। ये हम इस मुर्गी के साथ बोरे में डाल देते हैं। जी चार बर्ड इस वक्त हम लेके, अपने तीन मुर्गियाँ और एक मुर्गा लेके दुकान की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर हमने सेल आउट करना है। और ये आप देख सकते हैं कि मेरे साथ आगे गाड़ी में बोरे के अंदर ये जो है वो हैं, और इनका दम ना घुट जाए इसलिए जल्दी जो है पहुँचने की कोशिश करेंगे, और जल्दी पहुँच कर फिर आपको वहाँ पर जो है सारा सिनेरियो दिखाएँगे कि किस तरह से हम किस दुकान पर अपने जो है बर्ड्स बेचते हैं। तो फिलहाल आप हमारे साथ ही रहिए। ये है जी शॉप जहाँ पर हमारे जो हैं बर्ड्स बिकते हैं। अब हम अंदर जाके कुछ आपको डिटेल बताते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले हम 60 के करीब बर्ड्स यहाँ पर बेच चुके हैं, तो ये भी जो है सामने पड़े हैं बर्ड्स आपके, और ये बर्ड्स भी इस वक्त हम सेल करने के लिए लाए हैं, और ये बर्ड पहले से हम यहाँ पर देखे गए थे।
गफ्फार भाई जी चूजों का हिसाब किताब कर रहे हैं, फिर उसके बाद मुर्गियों का हिसाब किताब होगा। जी सामने बर्ड वाली शॉप है, तकरीबन जो 2500 के हिसाब से 10,000 के चार बर्ड बिके हैं गोल्डन बफ के, और इसके अलावा चूज़े जो है वो बिके हैं तकरीबन कोई 7,000 रुपये के। 17,000 रुपये का मैं यहाँ से अपना बर्ड बेच के इस वक्त वापस जा रहा हूँ। व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग कहते हैं कि हमारे अंडे चूज़े नहीं बिकते, उनसे गुजारिश है कि ज़रा हिम्मत करें, मार्केटिंग किया करें और ये दुकानों पर माल बेचा करें अपना। घर बैठे कभी भी माल नहीं बिकता, फ़ोन पे भी इतना ज़्यादा नहीं बिकता, आप सोशल मीडिया पे भी बेच सकते हैं, लेकिन आप अपने इलाके में शॉप्स विज़िट करें और शॉप विज़िट करके वहाँ पर बेचें चीज़ें। अगर वो रेट कम दे रहा है तो थोड़ा सा उसको कायल करें, लेकिन आप उस पर भी बेचते हैं तो आपको फ़ायदा ही होता है। जो रेट दुकानदार मांग रहा होता है उसमें भी फ़ायदा होता है अगर आप बेच दें तो। बहुत बहुत शुक्रिया सब भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है, हसाम बर्ड्स जो कि अतीक भाई का यूट्यूब चैनल है उसको जो है वो लाजमी जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें, और इसी तरह जो है उनकी वीडियोस को भी जो है वो लाजमी लाइक और शेयर किया करें, अच्छे अच्छे से कमेंट किया करें। बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आपका भी अल्लाह ताला सलामत रखे, सब भाइयों को दोस्तों को। इसी तरह की जो है वो एक और वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।